नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, जीरे के पानी का सेवन सेहत के लिए अच्छी साबित हो सकता है। जीरा संक्रमण और कैंसर से घातक समस्याओं से बचाने में सहायक भूमिका निभा सकता है। साथ ही यह अस्थमा, मधुमेह, इम्यून सिस्टम, तनाव, पाचन, सिर दर्द और त्वचा रोग की समस्या में भी सुधार करने का काम कर सकता है। इसके लिए इसमें मौजूद इम्यूनोमॉड्यूलेटर, एनालजेसिक, हेप्टोप्रोटेक्टिव, एंटी ऑस्टियोपोरेटिक, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी कैंसर गुण जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा जीरे के पानी से सेहत के लिए कई अन्य फायदे भी हो सकते हैं। हालांकि जीरे के अधिक सेवन से आपको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, इसलिए इस वीडियो में आज हम आपको जीरा पानी के फायदे और इसके नुकसान के बारे में बताने वाले हैं। पहला फायदा, दोस्तों गौरतलब है कि अगर आप रोजाना रात को आधा चम्मच भुना हुआ जीरा चबाकर उसके बाद पानी को पीते हैं तो इससे न केवल आपका दिमाग स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है बल्कि आपके दांत और मसूड़े भी मजबूत होते हैं। इसलिए अगर हो सके तो रोजाना रात को खाना खाने के कुछ देर बाद इसका सेवन जरूर करें। इसके अलावा अगर आपके गले में अक्सर खराश रहती है तो आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा चबाकर खा लें, यकीनन इससे आपका गला साफ हो जाएगा। दूसरा फायदा, हृदय के लिए होता है स्वास्थ्यदायक। जीरा का हृदय पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है और न केवल हृदय की रक्षा करने बल्कि हृदय से संबंधित कई समस्याओं के इलाज में भी मददगार होता है। जीरे का पानी पीने से हृदय की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है और लिपिड जमा होने से रोकता है। ऐसा करने से हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक और ब्लड क्लॉट का खतरा भी कम हो जाता है। तीसरा फायदा, खून की कमी से देता है राहत। यदि आप रात को सोने से पहले जीरे के पानी का सेवन करते हैं तो उससे शरीर में आयरन की कमी भी नहीं होती है। आयरन की कमी से एनीमिया की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में यदि रक्त में आयरन की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन की मात्रा में भी कमी होने लगती है। यदि व्यक्ति जीरे के पानी का सेवन करता है तो इसके अंदर पाए जाने वाले आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को न केवल बढ़ाता है बल्कि एनीमिया की समस्या से भी छुटकारा दिला सकता है। दोस्तों, आप इसी तरह के हेल्थ से जुड़े और भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो हेल्थ वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और किसी भी तरह का अगर सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। चौथा फायदा, वजन घटाने में होता है सहायक। आयुर्वेद के अनुसार जीरा पाचन में मदद करता है और आपके सिस्टम से विषाक्त पदार्थों को दूर करता है। वजन घटाने के लिए पाचन का बेहतर रहना जरूरी है। इसके लिए आप जीरे का पानी पी सकते हैं। जीरा फैट बर्न करने में सहायक है जिससे वजन कम करना आसान हो जाता है। पांचवा फायदा, रक्तचाप नियंत्रित करने के लिए होता है फायदेमंद। बढ़ते रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए जीरे का पानी बेहद लाभदायक औषध की तरह काम करता है। रात के समय इस पानी का सेवन शरीर में रक्त संचार को सुचारू करता है और शरीर में रक्त संचार के सुचारू होने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा बेहद ही कम हो जाता है। हालांकि इसे उच्च रक्तचाप की औषध नहीं कहा जा सकता है लेकिन इसे नियंत्रित करने में विशेष भूमिका निभाता है। छठा फायदा, इम्यून सिस्टम होता है मजबूत। इसके मिश्र का सेवन करने से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इसके एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण बीमारियों को दूर रख आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं। इसमें पाया जाने वाला विटामिन सी भी इसमें अहम भूमिका निभाता है। इसके लिए आप सुबह उठकर जीरा और सौंफ का पानी पी सकते हैं। सातवां फायदा, शुगर लेवल करता है नियंत्रित। आयुर्वेद के मुताबिक जीरे में मधुमेह रोगी गुण पाए जाते हैं। ऐसे में जीरे का पानी शुगर लेवल यानी कि शर्करा का स्तर को नियंत्रित करने में उपयोगी हो सकता है। इसे डायबिटीज के मरीजों को नियमित रूप से जीरे के पानी का सेवन फायदेमंद हो सकता है। इसके बाद दोस्तों भाई जानते हैं कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। दोस्तों, अति हर चीज की बुरी होती है, जीरे के सेवन से अति भी बुरी होती है। दरअसल जीरे की तासीर गर्म होती है, इसी वजह से इसका ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है। साथ ही इसका अधिक सेवन हार्ट बर्न का कारण भी बनता है। इसके अलावा अगर आपको जीरे के पानी से किसी भी प्रकार की एलर्जी है तो इसका सेवन न करें। इसके अलावा इसके अधिक सेवन से ब्रेनी की समस्या भी हो सकती है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में ऐसे किसी अच्छे जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।